ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहरी हर्षित शर्मा एनसीईआरटी प्रिंटर की बुक है। और अध्याय आपके पास है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 3 जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। लास्ट टॉपिक है, लास्ट आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लास्ट में चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है आपके पास 22। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का उसको मूल्य ज्ञात करना। सोल्यूशन करते हैं हम आपको। तो सोल्यूशन में आप लोग बने रहिएगा, यहीं पे कहीं जाइएगा नहीं, और आप लोग देखते रहिएगा। फिर आप डिसाइड कीजिएगा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना कि नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे माना, हमें बल्ले और गेंद की पहले तो मूल नहीं पता, तो वही मान लेंगे। माना बल्ले व गेंद का मूल क्या है, यक्स वाई रुपया है। अब उसने लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में देखिए, 7 बल्ले और कितनी 6 गेंदों का मूल है 3800 रुपया। 7x प्लस का 6y बराबर हो जाएंगे 3800। बहुत आसान सवाल है, समीकरण इसको मान लेंगे 1। तो इसमें स्टेप जो आ गई, फर्स्ट हमारे पास अब बना लेंगे स्टेप। सेकेंड में लिखा है, बाद में उसने 3 बल्ले था 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। कितने बल्ले, 5 गेंदे और सॉरी 3 गेंदे और 5 बल्ले उसने कितने में खरीदे, 1750 रुपये में खरीदे। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं। 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 5 से व 2 में 6 से गुणा करके घटाने पर, घटा क्यों रहेंगे, क्योंकि प्लस प्लस के लिखे वैसे माइनस करेंगे। तो समीकरण 5 में 7 × 35 + 6 × 5 = 30y बराबर 0 0, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 4 = 19। इसमें 6 × 3 = 18x प्लस के 6 × 5 = 30y बराबर 0, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 42 × 3 कितने हो जाएंगे 45, 6 × 6 = 10 निकट गए। 35 में 18 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 17x बराबर 0 0, 10 में से 5 कम करेंगे 5 ये बचेंगे 8 हो जाएंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा 17x बराबर 8500, 17 × 85, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपया। तो गेंद का मूल हमारे मिल गया कितना, बल्ले का मूल 500 रुपया। गेंद का निकाल लें तो बेक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह जाएगा 7 × 500 प्लस 6y बराबर 3800। जो 6y बराबर हो जाएंगे 7 × 35, 3800 − 3500 तो बचेंगे 300। 35 में 35 कम कर देंगे 3 बचेंगे, तो 6 × 5 = 30, 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपया। तो गेंद का मूल जो है हमारे पास कितना है, 50 रुपया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 22, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जल्दी नोट कीजिएगा क्विक फास्ट। हो गया होगा, अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 हम आपको लिखते हैं सवाल किताब से। 23 में लिखा है एक नगर, देखिएगा मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ये नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, पर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को पच्चीस किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक सेकेंड रुक जाइएगा, सवाल थोड़ा गड़बड़ी नहीं, भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी, सवाल थोड़ा गलत लिख गया है, नीचे पहुंच गए हैं। भाड़ा सम्मिलित किया गया है, लिखेंगे सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यहाँ लिखेंगे, यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, जी है आपके पास सवाल। जी आपको करना है, सवाल पढ़ लीजिए फिर आगे बताते हैं। कहा एक नगर में टैक्सी के लिए भाई एक नियत था, हमारे पास नियत भाड़ा नहीं पता है, तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन में, माना टैक्सी का भाड़ा एक्स रुपया है और एक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है, तब अब लिखेंगे प्रश्नानुसार में 10 किलोमीटर के लिए कितना है भाड़ा, 105 रुपये। तो हमारा जो कुल भाड़ा जो है x प्लस का जी हो जाएगा 10y बराबर कितना हमारे पास है 105 रुपया है, समीकरण फर्स्ट। फिर आगे पढ़ेंगे, फिर लिखा है 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना हमारे पास 155 रुपया, तो x प्लस किया जाएंगे 15, y बराबर 155, समीकरण नंबर दूसरा। अब इसको समीकरण एक और दो देखो समान मिल जाए, लिख लेंगे समीकरण एक व दो को घटाने पर
तो ये रहेंगे x प्लस का 10y बराबर 105, x प्लस के 15y बराबर 155, ये कट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5y बराबर बचेंगे माइनस के 50, क्योंकि 155 में 105 कम कर देंगे 50, माइनस के हो जाएंगे प्लस और 5 दाम 50, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 रुपया। वाई का मान 10 रुपया हो गया, तो अब वाई का मान समीकरण 1 और 2 में रख देंगे, हमें x का मान मिलेगा। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जो जाएंगे हमारे पास x प्लस के 10 गुणा 10 बराबर 105, x बराबर जाएंगे 105 माइनस के 100, हो जाएंगे हमारे पास 5 रुपया। तो हमारे पास टैक्सी का भाड़ा कितना हो जाएगा 5 रुपया। फिर वो क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, क्या लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने में भाड़ा लगेगा, तो x प्लस के जा जाएंगे हमारे पास 25y, क्योंकि किलोमीटर में तो हम y को माने इस बेस से 25 का गुणा कर देंगे, तो जाएंगे 5 प्लस के 25 गुणा ही हो जाएंगे 10, हो जाएंगे 5 प्लस के हो जाएंगे 250, तो बराबर हो जाएंगे 255 रुपया। जी हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया, आपका एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। अब आपके पास जी एच एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, वो भी बहुत ही लाजवाब है, उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें पढ़ना पड़ेंगे सवाल में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे आप लोगों को बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें स्टार्ट कर देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो आप लोगों को आज के लिए इतना ही रहेगा, जाने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपके थ्रू हमारा भी फायदा होगा और आपका मतलब हमारा हमारे चैनल में फैमिली मेंबर बढ़ेंगे और आपके फ्रेंड दोस्तों में से किसी का भला हो जाएगा। ठीक, तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।